नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे औरतों की। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ, पर आज और बात करेंगे औरतों की। क्या बात करेंगे औरतों के बारे में? तो मैं सोच रही थी कि ये जो औरत जब बच्चा होती है, फिर बड़ी होती है, जवान होती है, उसके बाद 30s में आती है, 40s में आती है, 50s में आती है, ये दौर कैसे कवर होता है और कैसे उसकी थिंकिंग बदलती जाती है। जो पहले शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा, तो नहीं कह सकते, आदमियों के साथ भी होता होगा डेफिनेटली, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतों की इच्छाएं और गोल्स होते हैं वो एज के साथ काफ़ी बदलते हैं, और टू दी एक्सटेंट कि जो पहले जो गोल होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा मुझे महसूस होता है, आई कुड बी रॉन्ग। तो चलिए उसी को कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं तो अपनी ही ज़िंदगी से सब कुछ बताऊंगी जो मेरे साथ है, जो मुझे महसूस हुआ, तो देखिए आप लोग रिलेट कर पाते हैं उस बात से कि नहीं। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जब मैं छोटी थी, यानी स्कूल डेज की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ शादी वादी में खास इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे ऐसा भी ध्यान पड़ता है कि 11th-12th में भी जब लड़कियों को बहुत ज़्यादा रुचि होती थी लड़कों में, तभी भी मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट लगता था। और बच्चों से तो खास कर मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कभी बच्चे, और मैं क्या, मेरी दोस्तें भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन था कि बच्चों के साथ तो मेरा बिहेवियर अलग ही होगा। अगर अंधेरे में कोई बच्चा मेरे साथ अगर किसी ने छोड़ दिया और बत्ती चली गई, तो शायद मैं बच्चों को अंधेरे में मार ही दूं दो चार झापड़, ऐसा मेरा इंप्रेशन था। और शायद मैं तब उस वक्त महसूस भी ऐसा ही करती थी, उस समय की बात है। फिर दौर बदला, थोड़ा और आप बड़े होते हो, कुछ 19-20 साल के, तो आपका एम जो है, जो मेरा एम था, मेरा ऐसा होने लगा कि बस करियर बना लेना चाहिए, कोई बढ़िया सा जॉब मिल जाए, एकदम सटीक पैसे कमाने लगे, बस इंडिपेंडेंट हो जाए। अब ऐसा कि मेरे सपने भी वैसे ही आते थे, मेरे सपनों में मैं सोचती थी कि क्योंकि छोटी छोटे शहर से थी, इलाहाबाद से, तो डेफिनेटली इलाहाबाद तो नहीं सोचूंगी, मैं सोचती थी बम्बई, दिल्ली, खास करके मुंबई सोचती थी। तो ऐसा दिमाग में आता था कि मुंबई में मेरा एक भारी, बड़ी ऊंची बिल्डिंग में कहीं एक छोटा सा अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट बहुत बड़ा कभी नहीं सोचा मैंने, छोटा अपार्टमेंट लेकिन सारी लग्जरीज के साथ, अ वेरी कंफर्टेबल अपार्टमेंट। मैं अकेले ही रहती हूँ, पार्टनर तो कभी सोचा ही नहीं, अकेले रहती हूँ, और बढ़िया जॉब है मेरा, अपना कार से जाती हूँ, कार से आती हूँ, ऐसा दिमाग में। और बहुत कई टाइम तक ऐसा दिमाग में चलता ही रहा, ये चीज़ दिमाग में रही बहुत टाइम तक कि नहीं, बढ़िया कमाना है यार, बढ़िया कमाना, करियर बनाना है। अच्छा, करियर का कैसा था कि वैसे देखें तो आप भाई आदमी पढ़ता है कि जो बनना चाहेगा उस हिसाब से, राइट? मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट था उस तरफ तो पढ़ाई की ही नहीं, ना इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन हो या डांस हो या जो भी शौक की चीज़ें थी उस पर तो हमने कुछ कभी कुछ काम किया नहीं, उस तरफ तो किसी ने तवज्जो भी नहीं दी, शायद उस वक्त माना ही नहीं जाता था इन चीज़ों को ज़रूरी। तो ढर्रे में, जैसे नहीं होता, भीड़ चाल में बीकॉम कर लिया। अच्छा, बीकॉम कर लिया तो ऐसा नहीं था कि बीकॉम के बाद ये जॉब करेंगे कि वो जॉब करेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई एम नहीं, कुछ ऐसा क्लियर विजन नहीं था कि अच्छा यहाँ जाना है और ये करना है, तो ये पढ़ाई करें और वहाँ जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। बीकॉम कर लिया, उसके बाद बुआ आई हुई थी उन दिनों छुट्टियों में, तो हुआ कि भाई यहाँ क्या करोगे, चलो मेरे साथ, तो बुआ के साथ गुजरात सूरत निकल गए। वहाँ गए तो वहाँ किसी ने जॉब ऑफर कर दिया, किसी भाई, क्योंकि ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते थे, थोड़ा प्रेजेंटेबल थे, तो भैया गुजरात में वैसे भी हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों का बड़ी मतलब मान सम्मान होता है, तो थोड़ा
अलग नज़र से लोग देखते हैं, तो बस तो वहाँ जॉब किसी ने ऑफर कर दी, जॉब शुरू हो गया। जॉब शुरू हो गया तो जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ से किसी और ने देखा तो उन्होंने दूसरा बेटर जॉब दे दिया, तो जॉब में उतर गए। अब ये लगा कि पढ़ाई थोड़ा बीकॉम के बाद कुछ और किया नहीं है, तो फिर बैठे बैठाए वहाँ से एमबीए भी कर डाला कि चलो एमबीए कर लेते हैं, वो भी बिना किसी सोच और विचार या डायरेक्शन के। अब एमबीए करते करते भाई उम्र हो रही थी तो पिताजी को लगा शादी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई रुचि थी शादी में या मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीवन में पार्टनर आ जाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन शादी हो गई क्योंकि एज हो रही थी, 27 के करीब की बात है, तो फिर शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर भाई अब क्या, काम तो हम कर ही रहे थे, तो वही काम अप डाउन होकर के दूसरे काम और ऐड हो गए उसमें, जीवन भाई डर्रे पे उतर गया। तो देखा जाए तो कोई ऐसी ख्वाहिश जैसी जो दिमाग में था वो उस तरफ तो मैं बढ़ी ही नहीं कभी। और देखा जाए तो शायद बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार शायद ही कुछ किया हो, भगवान जाने क्या किया, ऐसे ही ढर्रे पे बस चलते रहे। शादी हो गई, अब शादी में भी एक साल बीता तो मेरा क्या ऐसा दिमाग में था ना कि भाई 30 से पहले बच्चा तो हो, एक तो हो ही जाना चाहिए। तो भाई 27-28 एक साल हुआ, उसके बाद लगा रहे 29 हो रहा है, तो अब तो भाई बच्चा होना चाहिए, तो भाई खत्म, प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा कर लिया। जो बच्चा कर लिया तो और चक्कर गिनने में फंस गए। फिर लगा कि भाई जीवन कुछ अजीब सा है, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दिमाग में फितूर चालू हुआ कि देश छोड़ देना है, कहीं बाहर जाना है, क्योंकि गुजरात में कोई आगे बढ़ने का स्कोप नहीं दिख रहा था। तो वो सनक एक सवार हुई और उसके पीछे पड़ गए पागलों की तरह, उठकर गुजरात छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गए। पहले ऐसा था कि एक से ऊपर बच्चा करना ही नहीं है क्योंकि संभाल ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया का जो रहन सहन है उसमें लगने लगा, अरे यार और बच्चे होने चाहिए। तो अब भाई आते ही तो आप बच्चा कर नहीं सकते, तो भाई आप रुको। तो सेटल हुए इस सब में, 7 साल निकल गए, तो 7 साल नहीं, 4 साल की थी, 3 साल, तो 3 साल में फिर कंसीव किया। बच्ची को जब हम लेकर आए थे तो 4 साल की थी, तो फिर अब एक और बच्चा हो गया। और काफी टाइम तक मुझे ये भी लगता रहा, बच्चों से लगाव बहुत ज्यादा था मुझे। तो जैसे पहले हम सोचते थे स्कूल डेज में कि भाई मेरे तो बच्चे हो ही नहीं सकते, इनफैक्ट जब हम बाद में गए थे इंडिया काफ़ी सालों बाद बच्चों के साथ, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि अरे मणि तुम्हारे बच्चे और तुम इतने प्यार से रखती हो, मारती वारती नहीं। थोड़ा लोगों को शौक लगा था, थोड़ा सरप्राइज थे सब। बट हाँ, दो बच्चे होकर मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, और कहीं किसी हद तक मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने पेरेंटिंग में कुछ ठीक ठाक ही काम किया, क्योंकि माय किड्स आर वेरी क्लोज टू मी, तो मुझे उनके साथ समय बिताना, उन्हें मेरे साथ समय बिताना, सब हम बहुत इन्जॉय करते हैं, तो उसमें मज़ा आने लगा। तो कई बीच में ये भी लगने लगा कि यार 2 नहीं 4-5 बच्चे होने चाहिए। अच्छा, इन सब में करियर तो साइड में है, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं धीरे धीरे, काम कभी रुका नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कमाना कभी रोक दिया हो या जॉब छोड़ दिया हो, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली चलता है, लेकिन उस पर से फोकस हट गया, बच्चों पे तवज्जो आ गई, फैमिली के बच्चों को कैसे, बच्चों का ये, बच्चों का वो, उस पर दिमाग ज़्यादा। तो करियर में जैसे होता है ना कि भाई आप एक पोजीशन में हो, आप सोचते हो कि आप वर्टिकली ऊपर बढ़ना शुरू करो, मैनेजर और सीनियर मैनेजर जो भी एग्जैक्ट भयंकर कुछ ऊपर बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में आया ही नहीं, बस ऐसे ही कॉन्स्टेंटली काम करते रहे। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इनकम में हुआ, इधर से उधर थोड़ा पहुंचे, उधर से उधर, खास कुछ नहीं, बच्चों में ही कॉन्सेंट्रेट किया। और बच्चों में भी कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि काम तो फुल टाइम ही था, तो काम तो पूरा ही करते थे, बट जो भी टाइम बचता था वो बच्चों और ऑफकोर्स जो अपनी चूल्हा चक्की से ऊपर कहाँ औरत उठ पाई है उसी में फंसे रहते थे। तो सवेरे 4:30 पे उठो, खाना बनाओ, एक अजीब सी दिनचर्या में फंस के रह गए। खाना बना के जाओ, वापस आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर सो, फिर उठो, फिर पकाओ, फिर जाओ, फिर आओ, यही। तो उस समय जो रिलीफ था वो एक्चुअली जॉब में ही होता था। तो वो दौर एक बीता।
अब जब बच्चे बड़े हो गए, अभी जैसे अभी का समझिए, ये हो गया मेरा 34 में मैंने मेरा लड़का हुआ था, तो 34 के बाद कुछ साल मुझे ऐसा लगा कि भाई अब एज नहीं है, वरना मैं 4-5 बच्चे कर लेती। कई लोगों से मैंने बोला भी, फिर मेरा दिमाग चलने लगा कुछ टाइम बाद कि लाइफ फुलफिलिंग नहीं है यार, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कुछ सोशल वर्क शुरू करा तो दिमाग उस तरफ चलने लगा, फिर बच्चे बड़े होने लगे। फिर जब चैलेंजेस आते हैं बच्चों के, कि भाई बच्चे सिर्फ पैदा कर लेना एक काम नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारा काम होता है। बच्चे पैदा होना तो एक बहुत ही छोटा पार्ट है शायद, बच्चों को सही परवरिश देना, बच्चों को सही तरीके से सराउंडिंग्स देना कि वो पनप पाएं उस तरीके से। अब जैसे नहीं होता पौधा कि भाई पे उसको सही पानी, धूप, मिट्टी, खाद सब देना पड़ता है ना, तभी ना पौधा अच्छा होता है और फल अच्छे देता है। तो वो बच्चों के साथ भी है ना लागू, तो वो करना। फिर बच्चों के स्ट्रेसेस, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस है कि वो आगे क्या करेंगे, तो उसका स्ट्रेस आप पे आता है। तो फिर आपको लगने लगता है जो अभी का दौर है कि बच्चे होने चाहिए क्या क्योंकि बच्चे पैदा करो तो कितना काम बढ़ जाता है, पाल के अगर सिर्फ खत्म हो जाए तो बात अलग है, पर ऐसा तो है नहीं। तो फिर लगने लगता है कि फिर आप ना स्विच होने लगते हो, कि जो लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि अरे मैं बच्चे नहीं चाहिए, तो आप उनसे सहमत होने लगते हो कि नहीं यार, मैं तो होती थी कि हाँ यार कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चे तभी करो जब कुपत हो, कुपत ये पैदा करने की नहीं बाकी भी। तो वैसा दौर आने लगा कि बच्चे, पहले बच्चे की इच्छा, फिर बच्चा लगा क्या यार ये तो गड़बड़ है, ये तो नहीं होने चाहिए। जिन लोगों को फ्रीडम, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके बच्चे जिंदगी में आ गए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज बदल गई, तो जो दूसरी ख्याल होते हैं कि हम दुनिया घूमेंगे, हम ये खरीदेंगे, हम वो करेंगे, वो सब तो ढह जाता है ना, क्योंकि सब कुछ तो उधर चला जाता है बच्चों की परवरिश में। तो फिर जब वो दौर खत्म होता है तो फिर आपको लगता है यार ये भी खत्म हो गया, अब क्या। तो अभी जो 50वां का दौर है, अब जो हम जिस दौर से अब गुजर रहे हैं, अब हमको लगता है कि यार बच्चे सक्सेसफुल हो जाए अब बच्चों को उसी साइकिल में डालने की इच्छा होती कि भाई अब तो बोलने का अच्छा हो जाए जीवन, कैसे तो भी भाई अनन्या को एक्ट्रेस बनना है, बढ़िया एक्ट्रेस बन जाए, कोई उनको कहीं से ना उठा ले फट से कि यार बस यही लड़की मुझे चाहिए, और ऐसी किसी सीरीज में सेट हो जाए कि बस भयंकर। और लड़के का भी ऐसे ही लगता है, लड़का भी छोटा है लेकिन फिर भी दिमाग में ही लगता है कि उसका तो अभी ये क्लियर नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, तो दिमाग में लगता है भैया जो भी करना चाहते हैं बस भयंकर सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा दिमाग में आता है। और अपना लगता है कि यार शांति मिल जाए, कि कैसे वो कि सब ये जो किचपिच है जीवन की वो खत्म हो जाए, कि जो जाना आना अपनी मर्जी से काम करें, कोई इसलिए ना काम करना पड़े कि भाई बिल्स पे करने हैं, बिल्स पे करने के लिए ऑलरेडी सब सेटिंग हो, बिल्स हो ही ना, पर आपका जीवन सुकून का हो, आप मस्ती से अपना आराम से काम करो, अगर आपको 2 दिन काम करना है तो आप 2 दिन करो, 3 दिन आप रिलैक्स करो। अब वो टाइम आ गया, मुझे तो लगता है रिटायरमेंट फेज है लगता है कि यार क्या हो कि काम कम, मतलब ये जो प्रेशर है ना कि सवेरे इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, ये सब खत्म हो जाए कैसे तो भी, कि जब इच्छा उठो, जब जो अच्छा लगे वो करो, घर को संवारना है तो घर को संवारो, घंटों संवारो, कोई पूछने वाला ना हो कि क्यों कर रहे हो, कितनी देर तक सफाई करोगे, खाना कब बनाओगे, हम खाएंगे क्या। तो लगता है वो दौर खत्म हो यार, कि ये सब खत्म हो कैसे तो भी, कि ये भाई अभी खाना पकाना है, अभी उठना है, अभी बैठना है, अभी ये काम करना है, अभी लॉग इन करना है, अभी लॉग ऑफ करना है, ये इतना तो KPIs हैं, तो ये है तो वो है, लगता है इससे कब ऊपर उठेंगे तो कहने का मतलब ये कि प्रायोरिटीज आदमी की, औरतों की तो खास करके, हर टाइम पे कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और जहां ऐसा देखें कि 19-20 की उम्र में औरतें करियर फोकस्ड होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि औरतें, जो बहुत सारी ऐसी औरतों से भी मैं मिली हूं कि जो 19 में एकदम करियर फोकस्ड हैं भयंकर, उनको और कुछ सूझता नहीं है कि नहीं बस मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। वही अगर वो चूक जाती हैं दूसरे फेज में कि भाई बच्चे वाला जो है और पार्टनर वाला जो सेक्शन होता है लाइफ का, वो अगर आप चूक जाती हैं तो 30 और 35 के बीच में आके ना वो उस पार्ट को रिग्रेट करने लगती हैं कि यार
वो क्यों नहीं किया। और कई बार बहुत ज्यादा औरतें मदरहुड को क्रेव करने लगती हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि घास हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीन दिखती है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो इसीलिए कहते हैं कि जो जिस दौर से गुजर रहा होता है उसको उसके सामने वाले या किसी और का दौर बेहतर लगता है, कि उसका जो जीवन है वो बेहतर है, मेरा जीवन जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, काश मैं उस तरफ होती। और जो उस तरफ है उसको इसको देखकर लगता है। अब आज के दिन मेरे बच्चे हैं दो, एकदम फर्स्ट क्लास बच्चे, बढ़िया घर है, सब कुछ है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि अरे इनकी लाइफ बड़ी सटीक है, एकदम शांत अच्छी लाइफ गुजर रही है। जो मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, जो मेरा दौर है, वो तो मैं ही जानती हूँ। और मुझे लगता है उफ ये सब क्या है, इतना बड़ा घर कौन सफाई करे इसकी, यार सर दर्द हो जाता है, छोटा घर हो जाना चाहिए। अभी मेरा ये दिमाग चलता है। और ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि हफ्ते में एक बार कोई आके यार टॉयलेट साफ कर जाए, सारे झाड़ू पोछा लगा जाए, घर में बढ़िया वाला डस्टिंग सारी कर जाए, सब लॉन्ड्री कर जाए, तो ये सब तो है नहीं ना यार। तो मेरा दिमाग उस तरफ चलता है। तो लोगों को जो भी दूसरी तरफ होता है उसको उसकी इच्छा होती है। और ये जो औरतों का दौर है ये बदलता रहता है कि आज के दिन, पर ये निश्चित है कि कहीं से, फॉर एग्जाम्पल, अगर शायद मैं सिंगल होती और मैंने ये सब ना किया होता जो किया है लाइफ में, तो आई एम श्योर कि मैं इस लाइफ 50 में आकर के मुझे लगता है मेरे बच्चे क्यों नहीं है, तो वो पार्ट मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चे हुए और जीवन जो भी रहा। लेकिन अभी लगता है कि कुछ और भी चाहिए, कि जैसे मुझे शांति ज़्यादा चाहिए, मुझे सुकून ज़्यादा चाहिए जीवन में, मुझे ये सब हबड़ तबड़ नहीं चाहिए, और किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। लगता है सुबह जब इच्छा उठो, जब जो मन में आए करो, ये सब बंधन नहीं चाहिए लाइफ में। पर अगेन वो शायद रिटायरमेंट से रिलेटेड है, बुढ़ापे से रिलेटेड है शायद, तो मैं थोड़ा बुढ़ापे की ओर लगता है अग्रसर हो रही हूँ। मैं औरतों से ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आज का जो डिसीजन है आपका उसको आप मत बदलो, लेकिन कल अगर वो डिसीजन में फेर आता है उसके लिए प्रिपेयर हो लो। फिर ये भी है कि कल हो ना हो, हम जिए ना जिए, तो फालतू क्या करना, आज के लिए जियो। चलिए, पता नहीं क्या बोला है और क्या बताने की कोशिश करी है, और पता नहीं किसको अच्छा लगेगा और कोई रिलेट करेगा कि नहीं, पर इच्छा हुई तो बता दिया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई इच्छा हो कि इस टॉपिक पे आप डिस्कस करें, कोई इच्छा आपको हो मुझे बताने की, तो ज़रूर बताएं कि किस कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं या कोई विचार प्रकट करूं, तो मोस्ट वेलकम, बताइए। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।